भाई मेरे को एक बात बताओ, कौन इस धूप को देख के बोलेगा कि कल इसी जगह पे लाइक 1.5-2 घंटे और पूरी रात दबा के बारिश हुई है। जबा बोल रहा था, दबा के बारिश हुई है मतलब। बट एक चीज़ है, जो कल बारिश हुई थी उसकी वजह से अब उमस नहीं है, जो एकदम हर जगह ऐसे चिपचिपी गर्मी सी थी वो नहीं है। बाहर निकलने पर धूप होने के बावजूद ठंडा मौसम है। सो शुक्र है भाई, थोड़ा राहत मिली चीज़ों को। आज स्टूडियो में क्लास लेने में बैंड नहीं बजेगी और एसी भी कम चलाना पड़ेगा, बिजली का बिल बहुत आता है भाई, बहुत। सो यस, लेट्स गो, क्लास चलेंगे, आपको भी दिखाएंगे आज का दिन कैसे जाता है बच्चों के साथ। काफ़ी दिन से ब्लॉग ऊपर नीचे हो रहा है, बट नो आपसे सही हर बार बोलता हूँ, आप लोगों को भी लगता होगा क्या बोलता रहता है हर बार, बट नहीं बताएंगे आपको, उसका कारण भी बताएंगे। तो भाई थोड़ा आराम वराम करने के बाद हम निकल गए हैं फॉर द क्लास, और कल भाई इसी सड़क पर पूरा सुनामी थी, अब देखो सूखा। तो गाइस आज हमने अपने 5 to 6 वाले बैच को सिखाया है एक झामेदार स्टेप, इनके लिए झामेदार स्टेप है, करके दिखाओ बच्चों। रेडी, 5, 6, 7 गो, 1, 2, 3, 4 ओ बेटे। चलो बारी बारी, पहले इधर वाला ग्रुप करके दिखाएगा, 5, 6, 7 गो, 1, 2, 3, 4 अरे मर गई मम्मी। चलो इधर का तो कर दिया था, इधर वाले 5, 6, 7 गो, 1, 2, 3, 4 सौम्या क्या हो गया, निकल गए मोमोज सारे हैं सौम्या, फेवरेट है ना मोमोज तेरे बेटा, जो मोमोज खाएगा ना दादा जंप में सारे मोमोज बाहर आ जाएंगे, ठीक है करके दिखाओ। चलो रेडी, 5, 6, 7 कौन कौन सा बच्चा बाहर का खाना खाता है, मैंने पूछा कौन कौन सा बच्चा बाहर का खाते है, कह रही है सर आप बच्चा पूछा है बाहर का खाते हो, सही से हाथ खड़ा करो यार। निकिता बाहर का खाती है, मन्नू, प्रगति, रियांश, रितिका, मिश्का, सौम्या, दिव्या, योगिता, पहल। तो भाई जो जो बच्चे मैं अभी हाथ खड़ा करा है ये वो बैच में नहीं जाएंगे। ओके डन, जाना है ब्रो बैच में तो मेरे को ये वाला स्टेप जो घुटने वाला स्टेप था ना ये अगली क्लास में डन चाहिए। अगर डन नहीं मिला तो हो सकता है तुम बच्चों में से किसी का नाम हो प्रो बैच में और तुमसे ये स्टेप ना हो तो मैं नाम काट दूंगा तुम्हारे सामने। डन, समझ गए? चलो छुट्टी, बॉर्डर लो, लाइन बनाओ। ये क्या देख रहे हो बालवीर सुबह सारी क्लासेस एंड ऑल खत्म करके हम आ गए हैं घर, एंड काफ़ी अच्छा दिन रहा, मतलब काफ़ी फन क्लासेस हुई, बच्चों की इंडिपेंडेंस डे की तैयारी करवाई, 8 to 9 क्लास में एक नया रूटीन स्टार्ट कराया, बट फन था, मतलब थोड़ा चैलेंजिंग दिया मैंने लोगों को, उन लोगों को, बट यस ट्राई कर रहे थे, हो रहा था। बाकी यस मैं यार बताना चाह रहा था कि व्लॉग्स आजकल इतने इररेगुलर वे में क्यों आ रहे हैं, तो बेसिक सा रीज़न है यार, मतलब काफ़ी दिन से मैं थोड़ा ना अनॉयड फील कर रहा था बेसिकली, कि मज़ा नहीं आ रहा था कि मैं सेम चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको, एज इन अभी मैं कुछ नया कर नहीं रहा, वही डे टू डे लाइफ है, घर से सोया उठा स्टूडियो गया क्लास ली, तो ना मतलब मेरे को पर्सनली वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि मैं आप लोगों को वही रेपिटेटिव चीज़ दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं ना व्लॉग कर ही नहीं रहा था। मैंने थोड़ा सोचा कि 2-3 दिन ना ऐसे थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, मतलब मैं हालांकि मैंने रिकॉर्ड करा उन 2-3 दिन में, मैंने रिकॉर्ड करा जब जो मेरा मन हुआ या मेरे को रियलाइज हुआ मैंने करा, बट एक कहते ना रेगुलर वे में वो नहीं कर पाया, तो उसका यार बेसिक रीज़न यही था कि अच्छा फील नहीं हो रहा था कि मैं नई चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, तो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ थोड़े टाइम बाद कि यार हाँ सो मेरे फ़ोन की स्पेस भर गई थी इसलिए मैं पूरा बोल नहीं पाया, मैंने पूरा बोला एज मैंने 5 मिनट का शायद बोला था, एंड देन उसके बाद वीडियो मैंने चेक करी तो बंद स्पेस फुल हो गई थी, बट कोई बात नहीं। तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई मैंने फर्स्ट प्लेस पे ये सब सोच के नहीं करा था कि कुछ अलग ही क्रेजी कर दूँ या ऐसा कुछ, मैंने सोचा था कि मैं अपना डे टू डे लाइफ शो करूँगा, शेयर करूँगा आप लोगों से, जो चीज़ मैंने करनी छोड़ दी वो मेरे एंड से बहुत गलत थी, सो मैं वापस उस चीज़ में आऊँगा एंड आप लोगों को वही अपना डे टू डे लाइफ जो है अच्छे से शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, अपनी रूटीन, खाना बनाना एंड एवरीथिंग, जो भी फन मस्ती, जो भी ऊपर नीचे जो भी होता है सक्सेस है सब कुछ, वो सब शेयर करूँगा, और नई नई चीज़ें भाई लोगों से देख के मैं सीखूँगा, जो स्टार्टिंग में मैं करता था लोगों के व्लॉग्स देखता था,
बड़े बड़े ब्लॉग यूट्यूबर्स के और उन सबके तो देखा था ना, अब देखना बंद कर दिया था बीच में, जो कि गलत था। कहीं ना कहीं मेरी लर्निंग बंद होगी बेसिकली, मैंने सीखना बंद कर दिया था। तो वापस लोगों को देख के सीखेंगे, उनसे गाइडेंस लेंगे एंड आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। सो आई होप आप लोगों को मेरी मन की बात अच्छी लगी हो। मेरे को ना याद नहीं है, मैंने 5-6 मिनट आपको अभी पहले जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो अभी कट लगाया ना बीच में, मैंने बहुत लंबा कुछ बोला था, मेरे को याद नहीं आ रहा, क्योंकि उस टाइम मेरा फ्लो फ्लो में निकल गया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तो मेरे को नहीं पता मेरे को क्या क्या स्किप हो रहा। बट इन शॉर्ट जो फ्लो था वो इसी वजह से ब्रेक हुआ था, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग गया था। तो ओवर थिंकिंग किल्स गाइस, तो मत करा करो ओवर थिंक, जस्ट ट्राई टू डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट अपने काम में और सब अच्छा हो जाएगा भाई, रिजल्ट अच्छा ही आएगा, लगे रहो, कंसिस्टेंट रहो। तो हम भी मेहनत करेंगे एंड आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। मम्मी ने बनाया है फ्राइड राइस, तो मैं जाके दही लेके आऊँगा एंड डिनर करूँगा, दिन उसके बाद इनको बोलूँगा एंड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज का व्लॉग, जल्दी मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।